वेलकम बैक व्यूअर्स। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे हाई एनर्जी बार्स। जैसे ये नाम आपको सजेस्ट करता है, ये बार्स आपको एनर्जी देंगे और स्पेशली जब आप वर्कआउट्स करते हैं या मिड मील्स में जब आप लो ऑन एनर्जी होते हैं, ये आपको बार्स खाने से तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। ये खाने में लाजवाब है, ओवरऑल फाइबर्स से भरपूर है और गुणों से भरपूर है। आइए एनर्जी बार्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डेट्स लेंगे 250 ग्राम्स। इसमें हम उबलता हुआ पानी डालकर इसको सोक करने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगाकर हम आधे घंटे के लिए रुक जाएंगे। आधे घंटे के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा डेट सोक होकर रेडी है। अब हम इसको छानकर अच्छे से एक पेस्ट फॉर्म में चर्न कर लेंगे। डेट्स हम सब जानते हैं एक रिच सोर्स ऑफ आयरन है और हमें ये एनर्जी लेवल्स पे बिल्कुल हाई ऑन एनर्जी रखता है, इसीलिए हम डेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेसिपी में। केवल एक चम्मच हम पानी इसमें ऐड करके ताकि इसकी अच्छे से पेस्ट फॉर्म हो और ग्राइंड करने में आसानी हो। इस तरीके से एक थिक कंसिस्टेंसी की हमें पेस्ट बनानी है डेट्स की। अब हम पैन ले लेंगे और एनर्जी बार्स बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पैन में 1 टीस्पून ऑफ घर का बनाया हुआ घी हम डाल रहे हैं। हम बहुत कम मात्रा में घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये आपके हड्डियों को लुब्रिकेशन देगा और ओवरऑल ड्राई स्किन से आपको बचाएगा। अब हम पैन में ये जो हमारी खजूर या डेट्स की पेस्ट है उसको हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। हम ये मिक्सचर को ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम सीड्स देख लेते हैं कौन से यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे पहले हम पम्पकिन या कद्दू के सीड्स या भोपला भी इसको लोकली बोलते हैं, भोपले के ये सीड्स है। ये सारे सीड्स हाई ऑन फाइबर है, ये ओवरऑल विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर है। ये सारे सीड्स आपको ओवरऑल जो ठंडियों में आपको जो ड्राइनेस फील होती है उससे ये बचाएगा। ये मगज के बीज है, मगज बोल सकते हैं, मगज के बीज या वाटरमेलन या तरबूज के बीज, ये भी बीज हम ये रेसिपी में इस्तेमाल करें। इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं तिल। तिल हम सब जानते हैं आयरन में रिच होते हैं। ओवरऑल आपको सर्दियों के सीज़न में जो ड्राइनेस होती है बालों में या आपके हड्डियों में, ओवरऑल ल्यूब्रिकेशन के लिए तिल बहुत ही गुणकारी है। इसके साथ हम खरबूजे के बीज और ये सनफ्लावर के बीज, ये सारे बीज ओवरऑल हेल्थ वाइज न्यूट्रिएंट्स और विटामिन से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से दूर रखते हैं और आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करने में ये मदद करते हैं। ये सारी सीड्स को हम धीमी आंच पे भून लेंगे। ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ये सारे सीड्स को। आप इसके अलावा कोई और सीड्स अगर लेना चाहे तो वो आप ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डेट्स की पेस्ट, अब हम इसको हाई प्रोटीन का टच देने के लिए हम इसमें बादाम यूज़ कर रहे हैं। ये भी ड्राई रोस्टेड बादाम है। इस तरीके से बादाम की पाउडर हम कर लेंगे। ये मेरे सीड्स रोस्ट होके रेडी है। ये मेरे खजूर की पेस्ट रेडी है। इसमें अभी हम बादाम की पाउडर डालेंगे। बादाम की पाउडर डालने से हम सब जानते हैं बादाम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में भरपूर है, बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ही हेल्प करेगा और सीड्स डालने से ये अब हाई फाइबर भी हो गया। ओवरऑल हेल्दी और न्यूट्रिशियस और बहुत फटाफट बन जाने वाला ये मेरा एनर्जी बार बनकर ये मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको ये इस कंटेनर में डाल देंगे। ये मिक्सचर को पहले इस कंटेनर में पहले ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का अगर कंटेनर नहीं है, ये बेकिंग पेपर है ताकि चिपके नहीं हमारा नीचे से ये हमारा मिक्सचर, इसीलिए मैं बेकिंग पेपर पर ऊपर से ग्रीस कर रही हूँ। और अब हम इसमें हमारा जो ये डेट्स, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का मिक्सचर है अब हम इसमें डाल देंगे। आप ये कंटेनर अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीस थाली पर भी यही मिक्सचर को स्प्रेड करके आप उसके एनर्जी बार्स बना सकते हैं। तिल डाल रही हूँ ऊपर से, ये दिखने में भी सुंदर लगना चाहिए, इसीलिए हम ये ऊपर से अच्छे से तिल डाल रहे हैं। बादाम के कुछ
स्लाइस्ड बादाम डाल रहे हैं। अगर आप बच्चों को इस तरीके से अच्छे से डेकोरेट किए हुए एनर्जी बार्स खिलाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे अपने टिफ़िन में खाना पसंद करेंगे। मैं सीड्स भी डाल रही हूँ ऊपर डेकोरेशन के लिए। ये मेरे क्रैनबेरी के ड्राइड फ्रूट्स है, ये आपको मार्केट में कोई भी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसके बदले आप किशमिश भी डाल सकते हैं। अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए ये सारे सीड्स और आमंड्स के मिक्सचर को मैंने अच्छे से शेप दे दिया है। अब हम इसको प्लेट में लेकर अब हम इसके जो मनचाहा शेप हो, हम एनर्जी बार्स जैसे मार्केट में मिलते हैं उसी तरीके से हम ये एनर्जी बार्स को अच्छे से कट करके पीसेस में मनचाहा शेप और साइज देकर अब हम ये एनर्जी बार्स को सर्व कर सकते हैं। ये बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए एक आइडल स्नैक है। 4 बजे अगर स्कूल से बच्चे आते हैं तो ये एनर्जी बार्स आपको ओवरऑल उनको एक हाई प्रोटीन स्नैक की एक फीलिंग देगा। मैं क्लोजअप लेकर आपको दिखा रही हूँ। वाह, ये दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही लाजवाब हैं। आप भी डेफिनेटली ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चाहे तो इसको फॉइल पेपर में या चॉकलेट पेपर में भी रैप कर कर ट्रैवल या जर्नी में भी कैरी कर सकते हैं। ऐसे ही एक अमेजिंग से रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।